आप हमारे चैनल आरपी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बगल में दिख रही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। आज बीडीपीओ लोहर द्वारा एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई करने के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से गुस्साए सामाजिक संगठन व ग्रामीणों ने उपमंडल अधिकारी के रीडर को ज्ञापन देकर इंसाफ की मांग की। गौरतलब है कि 4 अप्रैल को गिगनाव निवासी इंद्रराज को बीडीपीओ लोहारू ने अपने कार्यालय में बेरहमी से पिटाई की थी। वह जाति सूचक अपशब्द भी कहे थे। इंद्रराज का मेडिकल व पुलिस के सामने बयान भी हो चुका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है। क्या उपमंडल अधिकारी को दी गई शिकायत में इंद्रराज ने बताया कि मेरी पत्नी मानसिक रूप से बीमार चल रही है, इसलिए 4 अप्रैल को मैं अपनी पत्नी को धोख लगवाने के लिए लोहारू के एक मंदिर में लाया था। वापस जाते समय भूलवश मेरी पत्नी बीडीपीओ कार्यालय में चली गई थी। जब मैं उसे लेने गया तो बीडीपीओ ने मेरी पत्नी से बात कर रहा था। उसने मुझसे मेरी जाति पूछी व गांव का नाम पूछा। इसके बाद बीडीपीओ व एक अन्य कर्मचारी ने मुझे जाति सूचक गालियां देते हुए डंडों से मेरी पिटाई शुरू कर दी। किसी को बताने पर मेरे पर ही झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की भी धमकी दी। मेरे गांव के सरपंच प्रतिनिधि विनोद धर्मपाल ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से मैंने पुलिस को मेरी आप बीती बताई, लेकिन पुलिस ने मेरे बयान पर कार्रवाई करने की बजाय बीडीपीओ द्वारा मेरी पत्नी को बहला फुसलाकर दिलवाई झूठी शिकायत मेरे ही खिलाफ कार्रवाई कर दी। ग्रामीणों ने मांग की है कि दोषी बीडीपीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में पूर्व सरपंच रामस्वरूप, पूर्व सरपंच सूरजबान राहड़, सरपंच प्रतिनिधि विनोद दलित, महासभा के उपाध्यक्ष धर्मपाल विजय गुरावा, नंदलाल प्यारीलाल, बनेश कुमार राम फल चौकीदार सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। इसके बारे में ये गिगनाव से है इंद्राज है, और इसने बताया है कि ये 4 तारीख को अपनी पत्नी को धोक पूजा करवाने के लिए यहाँ लोहारू के 7 नंबर चुंगी एक मंदिर पे आया था। वहाँ से जब ये वापस आ रहा था तो इसकी पत्नी ये बता रहा है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा बीमार चल रही है, और गर्मी ज़्यादा होने के कारण उसका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया, जिसके कारण वो इससे पीछे रह गई। और उसको ढूंढते हुए ये जब ढूंढ रहा था तो किसी ने बताया कि ये बीडीओ ऑफिस में बैठी है। जब ये बीडीओ ऑफिस में गया तो ये बता रहा है कि भाई बीडीओ उस महिला से बातचीत कर रहा था, और उस बीडीओ ने इससे पूछा कि तू इसको क्यों मारता है, तू कौन है, कहाँ का है। जब इसने बताया, अपनी जाति बताई, तो उसने इसको जाति सूचक गालियाँ देते हुए इसकी पिटाई की और इसको कमरे में बंद कर दिया। किसी ने इनके गांव के सरपंच को सूचना दी कि गिगनाव के किसी लड़के को पीटा जा रहा है, तो गिगनाव का सरपंच प्रतिनिधि विनोद कुमार मौके पर पहुंचा। उसके बाद विनोद कुमार ने और धर्मपाल जी ने इनको थाने में ले गए। थाने वालों ने इनको इलाज के लिए लोहारू हॉस्पिटल में भेज दिया, जहाँ से उनको भिवानी रेफर किया गया। भिवानी में पुलिस ने इनके बयान लिए हैं, लेकिन अब देखने में ये आया है कि पुलिस ने इस लड़के के बयान के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय, और बीडीओ ने जैसा कि इसको पहले धमकी दी थी, इसने बताया कि बीडीओ ने इसको धमकी दी थी कि किसी को अगर तूने बताया तो मैं तेरे खिलाफ ही इस औरत से मामला दर्ज करवा दूंगा, तो उसी अनुरूप बीडीओ ने इसको धमकी के अनुसार इसके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। उस पर पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी, लेकिन जो इसके बयान थे, इसके साथ जो मारपिटाई हुई थी, उसके बारे में अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये सरासर जो है दलित समाज के साथ अन्याय है, और ये पूरा गाँव गिगनाव वासी इनके साथ हैं, पूरे क्षेत्र के लोग इनके साथ हैं। अगर प्रशासन ने समय रहते हुए उस दोषी बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो ये गाँव और ये जो आसपास की पंचायतें हैं, ये इकट्ठी होकर कोई फैसला लेंगे जो प्रशासन के विरुद्ध भी हो सकता है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि समय रहते उस दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और दोषी को न्याय, जो इस पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय दिया जाए। एम साहब किसी कामवश चुनाव के किसी ड्यूटी के कारण बाहर चले गए, लेकिन उन्होंने उनके रीडर की ड्यूटी लगाई थी, रीडर ने हमारा ज्ञापन लिया है और उसको आगामी कार्रवाई के लिए प्रेषित करने का आश्वासन दिया है। कितने दिन का समय दिया आप? 2 दिन हम प्रशासन का इंतजार करेंगे। अगर 2 दिन के बाद प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की तो हम आसपास के गांवों की पंचायत बुलाएंगे और इस बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। राम सरपंच गिगनाऊ, मुझे पता उस दिन चला जिस दिन मेरे सेक्रेटरी ने फ़ोन किया, बोले तेरे को वीडियो साहब बुला रहे हैं। मैं घर पे जरूरी काम से लगा था, लेकिन फिर भी मैंने पूछा किस कारण से बुला रहे हैं। तेरे गांव का एक लड़का एक बहू है, लड़ाई करते हुए दफ्तर में आ गए। मैं ज्यों ही दफ्तर में आया तो वहाँ पे वीडियो साहब बैठे थे, उस लड़के को दूसरे कमरे में बंद कर रखा था। मैं आके देखा तो इतने में पुलिस भी आ गई। फिर मैंने उसको पूछा, लड़के को खड़ा करने की कोशिश, खड़ा नहीं हुआ गया, उसको इतनी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी कि वो चल नहीं सकता था। मारपीट उस लड़के से पूछा भाई किसने की, बोले मेरी वीडियो साहब की तरफ उसने अंदर गया, बोले इस आदमी ने की, मैं जानता नहीं कौन है।
और एक और दूसरा आदमी था उसको भी बताया, बोलो ये मेरे को लेके आया, इसने भी दो डंडे मारे। तो मारपीट करने का कारण क्या था, कुछ बताया वीडियो पर? वीडियो साहब ने क्लियर मना कर दिया, बोले मैंने नहीं मारपीट की, बोले खामखाई झूठ बोल रहा है। तो आप पुलिस के पास में गए हो? पुलिस के पास गए, पुलिस के पास जाके मैंने कहा इसकी मेडिकल कराएंगे हम, यूँ नहीं लेके जाएंगे। मेडिकल का नाम लिया, मेडिकल कराने गए तो वहाँ पे था नहीं डॉक्टर साहब, फिर भी उन्होंने रेफर कर दिया। पुलिस के पास गए, वो इसका एफ आई आर दर्ज करो, बोले नहीं करेंगे, बोले इसका बयान आने दो फिर करेंगे। फिर गांव फिर आया है, फिर गांव को आश्वासन दिया कि बयान आते ही मैं मुकदमा दर्ज कर दूंगा, लेकिन आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। सब पुलिस मिली भगत करके वीडियो साहब को बचाना चाहती है, गरीब बच्चे के ऊपर मार पड़ी। ये हुई, मैं और मेरी पत्नी दोनों झाड़ा लगवाने लेके आए थे मंदिर में, तो पहले से बीमार चल रही थी वो, दिमाग में थोड़ी प्रॉब्लम है उसकी। फिर उसके बाद मैं आगे आ गया था, वो पीछे पीछे थी। उसके बाद वो वीडियो ऑफिस में चली गई, वीडियो ऑफिस में जाके वो बैठ गई, मैंने देखा वो मिली नहीं, मैंने साइड देखा तो वो मिली नहीं। तो उसके बाद एक बुजुर्ग था, उससे पूछा कहाँ गई, तो उस तब ने बताया कि भाई वो अंदर निकल गई। फिर वहाँ पर जाके देखा तो और वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने ऐसे ऐसी बात हो गई ठीक है, बोले यहीं बैठ जाते थे। मैंने मेरे को भी बैठा लिया वहाँ पे, फिर मेरे को अंदर वीडियो ऑफिस में बुला लिया, वहाँ पे मेरे को नाम पूछा, क्या नाम है मेरा, इंदिरा नाम ठीक है, गांव पूछा, जाति पूछी, मैंने बता दिया। उसने बोला ये आपकी पत्नी है। उसके बाद वीडियो साहब ने मेरे जाति से चंगा लिया दी, मेरे पिता और एक लड़का और था उसने भी पिटा, फिर दूसरे कमरे में लेकर मारा मैंने। पुलिस की गवाही यही है, वहाँ पे गए थे, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की हमारी, कोई सुनवाई नहीं की, कोई सुनवाई अभी तक सरकार को सुनवाई अंतिम साहब के पास आए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसी के गरीब आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया और वीडियो को बचाने के लिए मुकदमा दर्ज, ये साजिश से बचाया। मामला ये है, वीडियो ये जो गिगड़ाओं का जो लड़का है, शिवर का लड़का, ये अपना जनानी के साथ इंदिराज झाड़ा लगवा के बीमार चल रही थी, झाड़ा लगवा के आया था, रास्ते में जनानी वीडियो पूछ ली गई, ये ढूंढ नहीं लिएगा, वीडियो में उसका मारपीट करी और इसको जो है ना जाति पूछी गई और डंडा मारते वक्त इसको जाति सूचक गाड़ियाँ भी दी और इसको हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में अप्लीकेशन वगैरह दी, लेकिन इसको डॉक्टर न होने की वजह से इसको रेफर भिवानी कर दिया गया और भिवानी से मेडिकल जांच हुई, वहाँ MLR करके आई। आज हमें सोमवार को DSP की इंक्वायरी में बुलाया गया, लेकिन DSP इंक्वायरी में भी वो दूसरी जांच वीडियो को बचाने के लिए और जो है ना काम के 150-200 आदमी आए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो है ना गणाव जो है ना हर SDM साहब से मिलने आए हम, और SDM साहब के माध्यम से जो है ना CM तक जो है CM विंडो पर भी एप्लीकेशन दी है और जो है ना हम प्रशासन से और वीडियो के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, गरीब आदमी की मदद की जाए। साहब मिले उन्होंने किसी बाबूजी के माध्यम से ज्ञापन दे चुके हैं और यहाँ जो है ना कार्रवाई की जो है ना काम इंतजार में है, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, 2 दिन के बाद गाँव जो है ना अपना फैसला लेगा। तो इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि दलित समाज से ये पीड़ित परिवार है, इसकी मदद की जाए। मेरा नाम धर्मपाल है, मैं दलित कल्याण महासभा से वाइस प्रेसिडेंट हूं और जो है ना मैं गरीब की मदद में आगे खड़ा हूं। ये सब